तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ में सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। सारेगामा पा के टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक एल्बर्ट इस वक्त हमारे साथ है। एल्बर्ट, प्लीज बताइए किस तरह का रोलर कोस्टर वाला जर्नी रहा है इधर टॉप 5 फाइनलिस्ट में पहुंचने तक का? सबसे पहले तो सबको नमस्ते, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सो जो जी टी वी सारेगामा का जो जर्नी था वो मेरे लिए बहुत ही टफ जर्नी था, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आया था, इतना सारा सिंगर्स देखे यहाँ पर, इतना सारा सिंगर्स थे, तो वो भी इतना सब लोग बहुत बढ़िया गाते थे, तो मैं था उसमें से। मैं कभी क्लास नहीं किया, कभी वो सिंगिंग का कोई मुझे उतना नॉलेज नहीं था उस टाइम, तो थोड़ा उस टाइम बस यही सोच रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, या मैं आया हूँ यहाँ पर कुछ करके तो जाना है, लेकिन इतना सारा सिंगर्स की भीड़ में मैं भी यहाँ पर आया था। सो जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया और जो जर्नी था मेरा जी टी वी में, कभी कभी मेरे लिए बहुत टफ होता था वो, क्योंकि जिस तरीके से गाना चाहे जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह होता था, है ना, मैं तो बाहर से हूँ एक्चुअली, दार्जिलिंग कैलिमुख से, तो वहाँ का जो हम लोग का जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है वहाँ का जो टोन, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ पहले, लेकिन जितना भी मेरा मेंटेनेंस, जितना भी मेरा गुरु लोग है यहाँ पे ग्रूमर, तो उन सब ने मुझे बहुत हेल्प किया, सिखाया उस टाइम कि प्रोनाउंसिएशन ऐसा करना है, इसको ऐसा बोलना है। सो और जितने भी मेरा लीजेंडरी यहाँ पे जज था रेस्पेक्टेड, तो उन सब ने भी बहुत मुझे हेल्प किया। सो और धीरे धीरे करके जितना मेरा बैटल राउंड हुआ, फिर आके कभी रिक के साथ नहीं हुआ, कभी अब्दुल के साथ नहीं, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन सबसे मेरा जो बैटल हुआ था, फिर वो सब पार करके फिर मैं यहाँ पर अभी टॉप 5 पर आया हूँ, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि टॉप 5 में 4 लड़कियाँ हैं और सिर्फ एक आप हैं जो कि लड़के हैं। कितनी उम्मीद रखनी चाहिए व्यूअर्स को, ऑल्सो कितना टफ कंपटीशन लग रहा है आपको, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सारे ही जो सिंगर्स हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं आपके जीतने के? जी यहाँ पर जितने भी सब फीमेल कंटेस्टेंट है यहाँ पे, जितने भी मेल में खाली है, तो मुझे बहुत टेंशन होता है, क्योंकि इतना जो मेरा लेजेंडरी जो जज है उन्होंने एक कुछ सोच के मुझे रखा है यहाँ पर, कुछ मुझ पे मेरे अंदर जो देखा उन्होंने, तो वो सब सोच के रखा है यहाँ पे। सो वही मतलब मेरा 4 लड़के जब जाके गाते हैं तो मुझे बहुत टेंशन होता है उस टाइम, क्योंकि मुझे जिस तरीके से यहाँ पर रखा है, तो मैं भी उस तरीके उस लेवल का परफॉर्म करने के लिए, मतलब मैं भी उस लेवल का परफॉर्म करना चाहिए मुझे भी, तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 200% देने के लिए, मैं जब भी सेट पर जाता हूँ बस, और कुछ सोचता नहीं, बस आज गाना अच्छा हो, बस वही दुआ करते हैं, तो बस हो जाता है अच्छा। तो ऐसे में इस वक्त एल्बर्ट हमारे साथ है, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम एल्बर्ट की आवाज़ में एक गाना ना सुने। सो एल्बर्ट, कोई एक फेवरेट जो आपकी परफॉर्मेंसेस रहे हैं उनमें से एक छोटा सा हो जाए। ठीक है, एक जो सॉन्ग है बहुत ही प्यारा सॉन्ग, जब मेरे फर्स्ट ग्रैंड प्रीमियर इसमें गाया था शायद ये गाना, हाँ सबसे, तो ये एक सॉन्ग मैं सुनाना चाहूँगा। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ में सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। थैंक यू।
बट एल्बर्ट हमने देखा है कि अक्सर जो रियलिटी शोज होते हैं, सिंगिंग रियलिटी शोज, अक्सर हर एक का मोटिव होता है कि उसके बाद वो प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह से बस जो काम है वो मिलते रहना चाहिए। हमने देखा है पिछले जितने भी सीजन्स आए हैं कई बार ऐसे होता है कंटेस्टेंट्स गायब से हो जाते हैं, काम नहीं मिलता है, बी इट फॉर एनी रीज़न। यहाँ पर कितना स्टेबल लग रहा है आपको आपका करियर, क्योंकि सारे गा मा ने एक पहचान तो दिला दी है, लेकिन आगे चलकर भी वो काम मिल पाना, वो जैसे मैं कहूँगी कि ये जो इंडस्ट्री भी है काफ़ी अलग है, वो अपना पैर बनाए रखना क्या लग रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या उम्मीद रखनी चाहिए? जी जी, मैं एक्चुअली जी टी वी सारे गा मा में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है। एक्चुअली मैं, मेरा मकसद एक ये भी है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के मैं आगे जाऊँ, ये तो एक्चुअली हम लोग का शुरुआत है ना। तो इसलिए अभी जितने भी यहाँ से जब हम लोग निकल के जब इतना बड़ा इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो उसके लिए दौड़ना है। वैसे एम एस सर बोलता है, हमेशा बोलता है कि 7 लाख सिंगर्स होता है ना, तो हर दिन मतलब कितना 200-300 गाना रिलीज होता है, तो उन सब में से हम लोग भी रेस लगाना है और दौड़ना है। तो थोड़ा टफ है, लेकिन ज़रूर कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट देने के लिए जब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो वैसे भी जी टी वी सारे गाँव पाने हम लोग को जो एक खुद का एक पहचान बना दिया है, अपना खुद का ओजी सॉन्ग हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग ने किया है। तो जितने भी मेरा कंपोज़र है यहाँ पे, तो सबसे मतलब मिला हूँ, तो सबने बहुत अच्छा कमेंट किया, सब लोग बहुत अच्छा बोल रहा है, तो हम लोग ज़रूर कांटेक्ट में रहेंगे, तो ज़रूर हम लोग को फ़ोन करना चाहिए। सो आगे जाके देखते हैं क्या होगा। उम्मीद रखते हैं कि इस बार टॉप 5 के फाइनल राउंड में जहाँ फिनाले होगा वहाँ पर हम आपको जीतते हुए देखना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे। अभी आगे जाके क्या होता है, अभी वोटिंग चल रहा है, सब लोग जितने भी यहाँ पे मेरा दोस्त है सबका जो फॉलोअर्स जितने भी वो लोग को चाहते हैं सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स कर रहा है, तो देखते आगे क्या होता है। ये थे एल्बर्ट, जिनको हम देखेंगे टॉप 5 में परफॉर्म करते हुए फाइनल्स में। कैमरामैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई। हम तो रोजाना खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।